कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग सब्जेक्ट, इसके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटिंग क्वेश्चंस बनते हैं। एट द लास्ट मोमेंट अगर आपने कुछ ज़्यादा भी नहीं पढ़ रखा है तो 60-80% सिलेबस आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। जरा सा एक ट्रिक लगानी है, कहने का मतलब है कि एक एप्लीकेशन आना चाहिए। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट उनका वर्डिंग चेंज होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि ये सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग लगा लो आप, कोई भी मान लो मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो आपको उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से मिलेगा कि नेचर एंड स्कोप क्या है उसकी, ठीक है, उसकी उसका रिलेशनशिप अदर जो मैथमेटिक्स रिलेशनशिप है विद अदर सब्जेक्ट्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ्स की तो उसके बारे में पूछ लिया है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तो इसमें आ ही जाते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। सो ये बनता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बोल दे या फिर रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स बोल दे, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये दोनों ना करके आप इधर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला, ये कभी पूछ लिया जाता है और कभी नहीं पूछा जाता है, तो बेटर होगा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलें। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट क्या है? पेडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, ये आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो इसमें जो ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं आता अगर आपको पेडागोजिकल एनालिसिस पता है, एक लेसन प्लानिंग पता है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। और इसमें जो कंटेंट होता है, जो पूछे मतलब रिपीटिंग से है क्वेश्चंस, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को लेते हुए पेडागोजिकल एनालिसिस पूछ लेंगे या फिर ज्योमेट्री को लेते हुए पेडागोजिकल एनालिसिस पूछ लेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लेसन प्लानिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन लेसन प्लानिंग फीचर्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। अब जैसे फीचर्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान, इसको 4 मार्क्स वाले में पूछ सकते हैं और इसी क्वेश्चन को 16 मार्क्स वाले में पूछ सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, ये डेफिनेटली करना आपको क्वेश्चन। यूनिट थर्ड, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेज, ठीक है, इसके ऊपर देखिए ये क्वेश्चन 20 और 22 में रिपीटिंग किए हुए क्वेश्चन है। मीनिंग इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक आपको आना ही चाहिए। आपने कुछ नहीं किया इस यूनिट में से, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इसके प्रिंसिपल क्या है गुड करिकुलम के, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसका कहाँ यूज है, क्या महत्व है इसका, ठीक है। और एक ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ICT का मैथमेटिक्स के जो पढ़ाने में, मैथमेटिक्स शिक्षण में इसका प्रयोग, ICT का, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो कि करिकुलम वाला क्वेश्चन आप कर लो और साथ में ICT वाला कर सकते हो, ठीक है, या फिर इन दोनों को छोड़कर इधर आप फिर ये क्लब वाला क्वेश्चन कर लो और इंपॉर्टेंस ICT वाला कर लो, क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इन द केस कि आपको फिर भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होगी, आपको पेपर छोड़ के नहीं आना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आंसर कि आपको पूरा क्वेश्चन आता था, चाहे इसमें कुछ अपनी वर्डिंग एड ऑन करनी पड़े बट आपको क्वेश्चन पूरा करना है। सो स्टार्टिंग का यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और ये ICT वाला बनता है। फिर अगर फोर्थ यूनिट की बात करें, फोर्थ यूनिट में क्या है? अप्रोचेस एंड इवेल्युएशन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये कभी 4 नंबर में पूछ लिया जाता है और कभी 16 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको जरूर करना है, ये 16 मार्क्स वाला ही कर लेना, ताकि चाहे 16 में आए तो उसमें कर दो, अगर 4 वाला पूछे तो आप उसमें भी कर पाओ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगर टीचिंग के जो मेथड्स हैं उनकी बात करें, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये बहुत पूछा जाता है, और प्रोजेक्ट मेथड भी पूछा जाता है, और पिछले 2 साल में एनालिटिक और सिंथेटिक वाला पूछा गया है, आप इसमें से कोई भी 2 मेथड कर सकते हो, या तो लेक्चर कम और डेमोन्स्ट्रेशन वाला कर लो, ठीक है, और उसके साथ फिर प्रोजेक्ट मेथड कर सकते हो। रहा टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, इसकी जो टेक्निक्स हैं इनमें से पूछ लिया जाता है, देखो ये 4 नंबर में पूछ रखा है, ब्रेन स्ट्रोमिंग वाला 2022 में, होम असाइनमेंट वाला कैसे पूछ रखा है 2022 में इन्होंने, इवेल्युएशन का क्वेश्चन, ठीक है, इवेल्युएशन का और साथ में होम असाइनमेंट, ये दोनों 8-8 नंबर के पूछ रखे हैं, तो टोटल एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बना के पूछ रखा है। तो एक स्मार्ट वे में आपको क्वेश्चन पेपर अपना जो आंसर है वो अटेम्प्ट करना है और पैनिक नहीं होना है। अगर देखा जाए तो 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, पहला आपको पता होना चाहिए नेचर स्कोप, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और मैथमेटिक्स जो रिलेशनशिप है अदर सब्जेक्ट्स के साथ ये आपको क्लियर होना चाहिए, और कुछ जो मैथमेटिशियन है इन्होंने इसमें क्या योगदान दिया है।
इसमें वो 16 मार्क्स वाला पूछ लेते हैं, आप उसको जस्ट गो थ्रो कर सकते हो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा। नेचर स्कोप दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन क्या है मैथमेटिक्स का, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पैडागोजिकल एनालिसिस, बात वही आ गई, आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके साथ कौन कौन से इन्होंने आगे फिर कंटेंट पूछ रखा है, इनको यूज करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ पूछ लिया, ये आता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्योमेट्री के साथ पूछ लेते हैं कि इसको पैडागोजिकल एनालिसिस को आप कैसे करोगे। मेन आपको पैडागोजिकल एनालिसिस पता होना चाहिए, पूरा एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन। दो क्वेश्चन वो हो गए, तीसरा बनता है हमारा फिर ये लेसन प्लान वाला, गुड लेसन प्लान, ये 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है और 16 मार्क्स में भी। सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट।